नमस्कार, सोशलाइट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपको यही हमारी कोशिश रहेगी कि नए नए डिजाइन आपको दिखाते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्रोशे नंबर 1.75 mm क्रोशे का नंबर हमारा है। दो कलर हमने इसमें यूज किया है, सफेद कलर है और एक जामनी कलर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पट्टी बना लें तोरण की। पहले हम सफेद कलर की पट्टी बना लेंगे। इसके लिए हमने 16 चैन लिया है। इस पे हमने डबल क्रोशी कर लिया, 16 डबल क्रोशी करेंगे, 3 चैन छोड़ा हमने यहाँ पर, 3 चैन छोड़ के लिया है क्रोशे। चौदह डबल क्रोशे हमने यहाँ पर बनाया है। हमने सादा पट्टी बनाया है, पट्टे में हमने डिजाइन नहीं किया है। चैन से लेके इस तरह से हमने पट्टी बनाया है, चैन के ऊपर से। डबल क्रोशे ही बनाएंगे। हर एक चैन में हम लेते जाएंगे 16 डबल क्रोशे। इस तरह से हम पट्टी बना देंगे। इसी तरह से बनानी है हर एक लाइन में। ये देखिए, इस तरह से हमने पट्टी बना ली है, दरवाजे जितनी 34 इंच या 35 इंच बना लें, या इससे लंबा आपका दरवाजा है तो 35-36 इंच बना लें। एक बॉक्स हम छोड़ेंगे, दूसरे बॉक्स से शुरुआत करेंगे नीचे के डिजाइन बनाने। सिंगल क्रोशी हमने यहाँ पर किया है, 4 चैन लेंगे, दूसरे बॉक्स में सिंगल क्रोशी, फिर 4 चैन, दूसरे बॉक्स में सिंगल क्रोशी। इस तरह से हमें बना लेना है एक लाइन। पंद्रह बॉक्स में हमें बनानी है इस तरह से, 4-4 चैन लेके डिजाइन। हर एक बॉक्स में हमने लिया है 14 डिजाइन आनी चाहिए इसे। 14
ये देखिए 14 बॉक्स हमने बनाए हैं, एक लाइन दूसरी तरफ से हमें एक कम करनी है। यहां से स्लिप चेन ले लेंगे, तीन यहां पर हमने स्लिप चेन लिया, यहां से हम 4 चेन बनाएंगे, फिर दूसरे बॉक्स में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरीके से। दोनों तरफ से हमें एक 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 कम करनी है। ये देखें लास्ट में भी हमने बढ़ाया नहीं है, यहाँ पर हम कम करते जाएंगे। स्लिप चेन 3, 4 चेन, फिर दूसरे बॉक्स में दूसरी तरफ से इस तरह से एक एक हम कम करते जाएंगे। दोनों तरफ से एक आने तक हमें बनानी है। देखिए एक पार्ट हमने इस तरह से बना लिया, लास्ट में एक आया है और हमने धागे निकाल दिए यहाँ पर। दूसरी तरफ दूसरा पार्ट बनाना है, दूसरे पार्ट के लिए हम यहीं से चालू करेंगे जहाँ से हमारा ख़त्म हुआ है, उसके दूसरे बॉक्स से इस तरह से छोड़ना नहीं है बॉक्स, यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। इसी तरह से हमें पूरा लाइन इस तरह का त्रिकोण में बना लेना है। 4 आएगा, छोटा पट्टा रहेगा तो बड़ा पट्टा रहेगा तो 5 पार्ट आएंगे। इस तरह का हमने 2 पार्ट में आपको बता रही हूँ बना के, 2 पार्ट में, तो इस तरह का हमने 2 पार्ट बना लिया है। अब यहाँ पर हमें फ्लावर बनानी है, इसके लिए मैं डार्क पिंक कलर लिया है, जामनी कलर देख सकते हैं। फ्लावर बनाने के लिए सीधे तरफ हम रखेंगे पट्टा और डिजाइन जो हमने बनाया है, एक बॉक्स छोड़ेंगे, दूसरे बॉक्स से शुरुआत करेंगे फ्लावर के लिए। इस तरह से देखें, पहले सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, एक बॉक्स हमने छोड़ा है, दूसरे में शुरुआत किया है, यहाँ पर 4 चैन कर लेंगे, फिर वहीं पर एक क्रोशिया और हमें करनी है इस तरह से, देख सकते हैं। यहाँ पर हमने पेटल बनानी है फूल की, इस तरह से हम कर लेंगे। 3 हमने चैन लिया है, ये देखें जहाँ पर हमने डबल क्रोशी सिंगल क्रोशी किया है, 2 जोड़ा है, ये चैन हम छोड़ देंगे सफ़ेद कलर का जो हमने क्रोशी किया है वहाँ से हम लेंगे। यहाँ पर हम चार डबल क्रोशी बनाएंगे इसमें, इस तरह से देखें 4 हमने डबल क्रोशी बनाए हैं, 3 चैन कर लेंगे,
चैन में इस तरह से हम इसे उसी में हमें इस तरह से एक सिंगल स्लिप चैन लेके जोड़ देनी है, देख सकते हैं। फिर यहाँ पर तीन चैन लेंगे, एक पेटल इस तरह से हमारी बन जाएगी। फिर चैन में हम जो हमने चार चैन लिया था, चैन में हमने तीन पेटल बनानी है फ्लावर की। चार डबल क्रोशे, फिर तीन चैन लेके हम इसे सिंगल क्रोशे से इस तरह से जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर तीन चैन, फिर एक और पेटल बनानी है हमें यहाँ। चार पेटल इस तरह से बनाएंगे हम। इस तरह से तीन चैन, फिर इसमें एक और बनानी है हमें पैटर्न। ये देखिए व्हाइट कलर के क्रोशे में हमने एक पेटल बनाया है और जो चैन लिया था हमने चार, उसमें हम तीन पेटल बनाए हैं। चार पेटल फ्लावर के इस तरह से हम बना लेंगे। लास्ट में हम पांच क्रोशे लेंगे, इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरह से फ्लावर बनेगी। ये देखें, यहाँ पर एक चैन कर लेंगे। फिर दूसरे फ्लावर के लिए हमें दो यहाँ पर छोड़ेंगे, हमने शुरुआत में एक छोड़ा था, यहाँ पर दो बॉक्स छोड़ेंगे। तीसरे बॉक्स में इस तरह से हम सिंगल क्रोशे ले लेंगे, फिर चार चैन उसी में जोड़ देंगे इस तरह से सिंगल क्रोशे से। फिर इसी क्रोशी में इस तरह से पेटल बनाएंगे फ्लावर का, चार डबल क्रोशे। पांचवे के लिए हमने तीन चैन लेके इस तरह से स्लिप चैन से जोड़ दिया है। चैन में हमने तीन चैन लेके फिर चैन में हमने तीन पेटल बनाया है, इसमें देख सकते हैं। चार, फिर यहाँ पर तीन चैन लेंगे और इस तरह से स्लिप चैन से जोड़ देंगे। इसमें हमने चैन में तीन पेटल बनानी है। चार डबल क्रोशे, और ये चैन हमने जो किया थी उसको लेके पांच हो गए, तो हमें इस तरह से पांच बनानी है, चार बनानी है। क्रोशे हमने पांच बनाए हैं चैन जोड़ के। और लास्ट पेटल में हमने चौथे पेटल में पांच क्रोशे बनाए हैं, पांच डबल क्रोशे। इस तरह से एक चैन ले लिया है, फिर हमने दूसरी तरफ दो बॉक्स छोड़ेंगे, तीसरे बॉक्स में सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी तरह से फ्लावर हमें बना लेनी है, देख सकते हैं आप। ये देखें, हमने यहाँ पर दो फ्लावर बना लिया, यहाँ पर एक बनेंगे, साइड में हमारे पांच फ्लावर आएंगे, एक तरफ चार फ्लावर आएंगे। इस तरह से हमें फ्लावर बना लेनी है। ये देखें, हमने चार फ्लावर यहाँ पर बनाए हैं, यहाँ से दो बॉक्स छूटेंगे, फिर जो हमने लास्ट में एक छोड़ा है यहाँ पर आएंगे बीच में इस तरह से।
चार पेटल बना ले हम यहाँ। पांच पांच क्रोशिया हमने एक पैटर्न में बनाया है, चैन को भी हमने इसमें काउंट किया है। एक चैन, ये देखिए बीच का इस तरह से फ्लावर आ गया, दो तीन चार पाँच, पांच फ्लावर एक तरफ आए हैं। दूसरी तरफ वैसे ही बनानी है हमने, दो छोड़ना है, तीसरे भाग से शुरुआत करनी है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे चार आएंगे, बीच में हम एक करेंगे। ये देखें तीन चार पांच पेटल आए हैं, तो यहाँ पर बीच में हमने एक और फ्लावर बनाए हैं। तो इस तरह से देखें कैसे बनाएंगे हम। हमने यहाँ पर एक छुड़ा है और जो पट्टे के बॉक्स हैं उसमें हमने इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया लिया है। यहाँ पर चार चैन लेंगे, फिर दूसरे में जहाँ पर हमने जोड़ा है दूसरे पेटल के लिए, तो यहाँ पर हम एक लेंगे इस तरीके से। देख सकते हैं किस तरह हमने लिया है, यहाँ पर तीन चैन लेके और इसी में हमें फ्लावर बनानी है। पेटल फ्लावर का चार, फिर हमें चैन में पेटल बनानी है जो हमने चार चैन लिया था। फ्लावर इस तरह से हमने बना लिया है, जोड़ देंगे इसमें तीन चैन में हम बना लेंगे पैटर्न फ्लावर के। ये देखिए इस तरह से बीच में ये फ्लावर आ गए हैं। इससे हम दूसरे जो डिजाइन हमने बनाई है एक छोड़ के दूसरे बॉक्स में इस तरह से जोड़ेंगे। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि एक एक हमने छोड़ा है, तो यहाँ भी हम एक छोड़ के बनाएंगे। इस तरह से फ्लावर बनाते जाए, बीच में हमने दो दो छोड़ा है, ये बीच का इस तरह से फ्लावर आएगा। ये देखिए इस तरह से हमने बॉर्डर पे इस तरह से फ्लावर हमने बना लिया है। यहाँ पर बीच में हमने छह फ्लावर यहाँ पर आए हैं दोनों तरफ, देख सकते हैं पट्टे के दोनों तरफ किनारे पे हमने पांच लिया है यहाँ, और बीच साइड में हमने छः छः लिया है। तो इस तरह से हम बॉर्डर फ्लावर की बना लेंगे। इसके झालर के लिए इस तरह का एक जामनी कलर का लेंगे धागा, इसको 30 बार हम लपेटेंगे, 30-40 बार घना करना है हमें पम्पम बॉल बनाने के लिए।
इस तरह से। बीच में गांठ लगा ले। इस तरह से पम पम बॉल हमने बना लिया। एक झालर के लिए एक दो सफेद चाहिए हमें और एक जामनी कलर चाहिए। तीन फ्लावर चाहिए एक झालर के लिए, तो हमने तीन इस तरह से बना लिया। इस तरह की छह नंबर की मोती हमने लिया है झालर के लिए। तीन धागे इस तरह से हमें लंबे लंबे लेने हैं, थोड़े ज्यादा लंबे नहीं, देख सकते हैं। छोटा मोती हम नीचे डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बॉर्डर पे इस तरह से फ्लावर हमने बना लिया है। यहाँ पर बीच में हमने छह फ्लावर यहाँ पर आए हैं दोनों तरफ, देख सकते हैं। पट्टे के दोनों तरफ किनारे पे हमने पांच लिया है यहाँ, और बीच साइड में हमने छह छह लिया है। तो इस तरह से हम बॉर्डर फ्लावर की बना लेंगे। इसके झालर के लिए इस तरह का एक जामनी कलर का लेंगे धागा, उसको 30 बार हम लपेटेंगे, 30-40 बार घना करना है हमें पम पम बॉल बनाने के लिए। इस तरह से बीच में गांठ लगा ले। इस तरह से पम पम बॉल हमने बना लिया। एक झालर के लिए एक दो सफेद चाहिए हमें और एक जामनी कलर चाहिए। तीन फ्लावर चाहिए एक झालर के लिए, तो हमने तीन इस तरह से बना लिया। इस तरह की छह नंबर की मोती हमने लिया है झालर के लिए।
तीन धागे इस तरह से हमें लंबे लंबे लेने हैं, थोड़े ज़्यादा लंबे नहीं, देख सकते हैं। छोटा मोती हम नीचे डालेंगे ताकि हमारा पम-पम बाल निकले नहीं। इस तरह से हम गांठ लगा के छोटी मोती एक डाल लेंगे। पम-पम बाल एक इस तरह ले लेंगे हम। ये धागा ना दिखे इस तरह से हम दूसरी तरफ से ले लेंगे। इस तरह कर ले। देखें इस तरह पम-पम बाल हम धागे में पिरो लेंगे। और यहाँ पर हमें 6 नंबर की 12 मोती डालनी है। आप सुई की सहायता से भी डाल सकते हैं। सुई की सहायता से भी आप डाल सकते हैं। हमने क्रोशिया से इस तरह से पिरोया है। इस तरह हमने लरिया बना ली है। एक बड़ी है और 2 सफ़ेद हमने छोटी बनाई है, जो इसके कलर में जामुनी कलर में जो है हमने यहाँ पर 15 मोती डाला है, देख सकते हैं 15 मोती यहाँ पर हमने इस लरी में डाला है। और 2 वाइट कलर का हमने बनाया तो इसमें हमने 12-12 मोती डाला है। 2 लरी वाइट कलर की और 1 जामुनी कलर का, 3 लरी हमने इस तरह से बनाई है। बीच में हम बड़ी वाली लरी रखेंगे। इस तरह से गांठ लगा लें। देख सकते हैं आप और यहाँ पर बीच में हमें ये लरी लगानी है, जो बीच का फ्लावर है हमारा यहाँ पर इस तरह से ये लरी आएंगी। यहाँ पर हम बांध देंगे इसे फ्लावर में। हमारे वीडियो और डिज़ाइन अगर आपको अच्छे लगे, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।